तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर का जो फोन है वो है वीवो की तरफ से X60 Pro। इस फोन में मिलेगा 6.56 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का पंच होल डिजाइन वाला एमोलेड डिस्प्ले HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ। साथ ही इस फोन के डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और ये फोन आता है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस है। जीपीयू आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो 650 LPDDR5 रैम और UFS 3.1 के साथ। और बात करें इस फोन के ऑनटूटू स्कोर की तो वो है 6,30,000। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसको वीवो बोलता है कि ये को इंजीनियर्ड है जीएस ऑप्टिक के साथ और इसके रियर कैमरा से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो इस फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इस फोन में आपको 4200mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। साथ ही इस फोन का वेट 179 ग्राम और इस फोन की मोटाई है 7.5 mm। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे ब्लैक और ब्लू। इसका 12+256GB वाला वेरिएंट आप 50,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं फोन की कमियों की तो पहली जो कमी है वो ये है कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में स्टीरियो स्पीकर एक स्टैंडर्ड फीचर है जो कि आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इस फोन की दूसरी कमी की तो इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और इस फोन की तीसरी कमी है कि इस फोन में आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इस वीडियो को देखते देखते आप जीत सकते हैं 1,000 रुपए का Amazon गिफ्ट कार्ड। उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका बेस्ट पिक कौन सा है इस लिस्ट में से। इस गिव अवे का रिजल्ट मैं इस महीने की आखिरी वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के फोन की तरफ और चौथे नंबर पे है OnePlus की तरफ से 9। इस फोन में मिलेगा आपको 6.55 इंच का 120 हर्ट्ज का पंच होल डिजाइन वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। साथ ही इस फोन के डिस्प्ले में आपको मिलेगा HDR 10 प्लस का सपोर्ट और ये फोन आता है ग्लास बैक के साथ। इस फोन के फ्रंट और बैक में मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मगर इस फोन का जो लुक्स खराब पड़ता है वो है इस फोन का प्लास्टिक फ्रेम। तो अगर यहाँ पे OnePlus एल्यूमिनियम फ्रेम देता तो इस फोन के लुक से हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर एक चीज जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो है इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मिलता है जो कि है 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड। जीपीयू आपको देखने को मिलेगा Adreno 660 LPDDR5 RAM और UFS 3.1 के साथ। और बात करें इस फोन के OnTuTu स्कोर की तो वह 7,21,000। अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसे आप 8K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। साथ ही इस कैमरा में मिलेगा आपको Hasselblad का कलर कैलिब्रेशन भी। अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो इस फोन के फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप जो कि सिर्फ फुल एचडी प्लस वीडियो ले पाता है 30 FPS पे। इस फोन में मिलेगी आपको 4500mAh की लिथियम आयन बैटरी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि लेता है सिर्फ 29 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। साथ ही इस फोन में मिलेगा आपको ब्लूटूथ 5.2। इस फोन का वेट है 183 ग्राम और इस फोन की मोटाई है 8.1 mm। ये फोन आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे ब्लैक आर्कटिक स्काई और विंटर मिस्ट। इसका 8+128GB वाला वेरिएंट आप 50,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस फोन की कमियों की तो पहली जो कमी है वो है इस फोन का फ्रंट कैमरा जो कि सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस देता है। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की तो वो है इस फोन में दिया गया प्लास्टिक फ्रेम जो कि इसके लुक्स को थोड़ा खराब करता है। और इस फोन की तीसरी कमी यह है कि वैसे तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है मगर ज्यादातर जो गेम है वो सिर्फ 60 FPS पे लॉक्ड है। तो इस वीडियो में मैं जितने भी फोन बताऊंगा उन सबको आपको बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन की तरफ और ये फोन उन लोगों के लिए है जो एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं। तो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर सैमसंग की तरफ से S20 FE 5G। इस फोन में मिलेगा 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का पंच होल डिजाइन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोडक्शन के साथ। इस फोन में इस लिस्ट का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है मगर इस फोन में एक चीज जो अच्छी नहीं है वो है इस फोन में दिया गया प्लास्टिक बैक। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 865 देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस है। जीपीयू आपको देखने को मिलेगा Adreno 650 LPDDR5 RAM और UFS 3.1 के साथ। और इस फोन का OnTuTu स्कोर है 5,95,000। बात करें इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको देखने को मिलेगा 12+8+12 का ट्रिपल कैमरा सेटअप जिससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे भी आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। तो कुछ नोटिस करा आपने इस फोन के दोनों ही कैमरा में? जी हाँ, इस फोन के दोनों ही कैमरा से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। तो दो तीन जो नॉन चाइनीज बड़े स्मार्टफोन मेकर हैं वो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखते हैं कस्टमर का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ OnePlus का, उस फोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे मगर फ्रंट से आप सिर्फ फुल HD+ वीडियो ले पाते हैं 30 FPS पे। और यही कहानी सारे चाइनीज
स्मार्टफोन मेकर के साथ है। वो सिर्फ एक या दो फीचर डाल देते हैं अपने स्मार्टफोन में अच्छे, बाकी जितने भी फीचर होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं। तो इसी वजह से जो चाइनीज स्मार्टफोन के साथ जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो छोड़ते हैं इस टॉपिक को और बढ़ते हैं S20 FE की तरफ। तो S20 FE में मिलेगा आपको 4500 mAh की लिथियम आयन बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेता है 1 घंटा 20 मिनट इस फोन को 20-100% चार्ज करने में। इस फोन में मिलेगा आपको IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, साथ ही इस फोन में मिलेगा आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये फोन आता है डॉल्बी एटमॉस के साथ और इस फोन का वेट है 190 ग्राम और मोटाई है 8.4 mm। ये फोन आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, क्लाउड लेवेंडर, क्लाउड मिस्ट और क्लाउड नेवी। इसका 8+128 GB वाला वेरियंट आप 48,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली जो कमी है वो इस फोन में दिया गया प्लास्टिक बैग, जो कि इस फोन के लुक्स को थोड़ा खराब करता है। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की, तो वो है इस फोन का परफॉर्मेंस। इसलिए इसके बाकी फोन से परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन थोड़ा पीछे नजर आता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप सबसे पहले देख पाए हमारी वीडियो। तो अब आ गए हैं वो अपने लिस्ट के सेकंड लास्ट पोजीशन के फोन पे, और जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे फोन है वो है IQOO की तरफ से 7 Legend। इस फोन में मिलेगा आपको 6.62 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिजाइन वाला AMOLED डिस्प्ले HDR10+ के सपोर्ट के साथ। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस है। GPU आपको देखने को मिलेगा Adreno 660, LPDDR5 RAM और UFS 3.1 के साथ। बात करें इस फोन के AnTuTu स्कोर की, दो है 7,21,000। इस फोन के रियर में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसे 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे, और फ्रंट में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, जिससे आप फुल HD प्लस वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। ये फोन आता है 4000 mAh की लिथियम आयन बैटरी के साथ। साथ ही इस फोन में देखने को मिलता है 66 वाट की फास्ट चार्जिंग, क्योंकि लेता है सिर्फ 22 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, साथ ही इस फोन में देखने को मिलेगा आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन का वेट है 209 ग्राम और फोन की मोटाई है 8.7 mm। ये फोन आप सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, जैसे IQOO बोलता है लेजेंडरी ट्रैक डिजाइन। इसका 12+256 GB वाला वेरिएंट आप 44,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली जो कमी है वो है इस फोन का OS। इसमें आपको फन टच OS देखने को मिलता है, इसमें काफी रिफाइनमेंट की जरूरत है। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की, तो इस फोन में आपको 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अब आ गए हम अपने लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन के फोन पे, और जो नंबर 1 पोजीशन का फोन है वो है ASUS की तरफ से ROG फोन 5। इस फोन में मिलेगा आपको 6.78 इंच का 144Hz का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले पंच होल डिजाइन के साथ। ये फोन आता है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ। साथ ही इस फोन के डिस्प्ले में देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट गैजेट क्लास है अब तक का। और साथ ही इस फोन के रियर में देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मिलता है। GPU आपको देखने को मिलेगा Adreno 660, LPDDR5 RAM और UFS 3.1 के साथ। बात करें इस फोन के AnTuTu स्कोर की, तो वह इंप्रेसिव 7,99,000। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो इस फोन के रियर में आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसे आप 8K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे, और फ्रंट में देखने को मिलेगा 24 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, जिसे आप फुल HD प्लस वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 6000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 65 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेता है सिर्फ 52 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। साथ ही ये फोन सपोर्ट करता है रिवर्स चार्जिंग भी। इस फोन में देखने को मिलता है स्टीरियो स्पीकर गेमिंग स्पेसिफिक ट्विक के साथ। साथ ही इस फोन के रियर में देखने को मिलता है RGB लाइट पैनल, जिसे आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे। और एक और जो अच्छी चीज दी गई है इस फोन में, जो कि इस लिस्ट के बाकी फोन में देखने को नहीं मिलती है, वो है 3.5 mm जैक। और ये फोन गेमिंग को ध्यान में लेके बनाया गया है, इसी वजह से इसके साइड फ्रेम में देखने को मिलता है 2 प्रेसर सेंसिटिव बटन, जिन्हें आप गेमिंग ट्रिगर्स की तरह यूज कर पाएंगे। इस फोन का वेट है 238 ग्राम और इस फोन की मोटाई है 10.2 mm। ये फोन आप 2 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ब्लैक और व्हाइट। इसका 8+128 GB वाला वेरिएंट आप 50,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली जो कमी है जिसके वजह से ये फोन काफी लोगों को पसंद नहीं आता है, वो है इस फोन का वेट। इस फोन का वेट है 238 ग्राम और ये फोन काफी मोटा भी है। इस फोन की मोटाई है 10.2 mm। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की, तो इस फोन में आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे वर्डिक्ट की। तो जो वर्डिक्ट होने वाला है टोटली मेरी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे होने वाला है। मेरे को स्मार्टफोन में एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए और उसका OS भी मेरे लिए काफी मायने रखता है, और गेमिंग में उतनी हार्डकोर नहीं करता हूं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो फोन एक पूरा करता है वो है सैमसंग की तरफ से S20 FE 5G। इस फोन में इसलिए इसका सबसे बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, सबसे बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है, और जो OS है वो भी काफी जबरदस्त है। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन थोड़ा पीछे है, मगर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ये फोन पूरा करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।